हड़प्पा नगर पंजाब में था, मोहनजोदड़ो सिंध में। एक दो तीन चार नंबर करके लिखते जाएंगे, थोड़ी सी कुछ बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये जो पंजाब शब्द लिखा है, पंजाब का मतलब होता है आब। ये दो शब्दों से है, पंच पांच आब, आब माने पानी। जहाँ पांच नदियों का पानी जिस क्षेत्र से गुजरता है उसे पंजाब, जैसे यहाँ यमुना और गंगा का पानी मिलता है इसे दुआब कहते हैं, वहाँ पांच नदियाँ मिलती हैं, राबी सतलम झेलम ब्यास चिनाब, इन पांच नदियों का जो क्षेत्र है उसे पंजाब कहा जाता है। वो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो पंजाब वहां चला गया, तो अपने लिए हमने एक नया पंजाब बनाया, कुछ हरियाणा से उधार लेकर के, कुछ और बगल के राज्यों से उधार लेकर के एक पंजाब बनाया, जिसकी राजधानी हमने चंडीगढ़ रखी। जो असल पंजाब है वो पाकिस्तान में है, लाहौर से आगे जाने पर। उस पंजाब में जो आज का पंजाब है वहां वो हड़प्पा नगर पड़ता है, ये खास नगर है। क्या बात? आज के पंजाब में, आज का पंजाब मतलब जो पाकिस्तान में है। हाँ, ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान का पंजाब है। हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो भी क्षेत्र है खास, ये पाकिस्तान के नेटवर्क में ही है। देखिए, मैंने कल भी निवेदन किया था कि नदियों के तट पर सभ्यताओं का विकास हुआ है। सबसे बड़ी नदी उस समय सिंधु थी, सिंधु के तट पर ये सभ्यता फली फूली। फिर इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है, अटकल कल्पना, कि सिंधु की बाढ़ की वजह से वहां पूरी सभ्यता तहस नहस हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने हमला किया था, लेकिन क्या होता है अगर कोई कह दे कि आर्यों ने हमला किया है, तो जो अनार्य हैं कुछ लोगों को अनार्य कहना पड़ेगा और कुछ लोगों को आर्य कहना पड़ेगा, तो फिर दोनों में भेद होता है। इसलिए इस चीज को अब खत्म किया जा रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि नदी जब अपना रास्ता बदलती है तो सभ्यताएं भी वहां से अपना जगह छोड़ देती हैं। सिंधु के बाद यह जो गंगा और जमुना का क्षेत्र है, गंगा गैंजेटिक प्लेन, यहां सभ्यता विकसित हुई है। ये जो आप संगम पे मेला देखते हैं, इसकी इतनी महिमा देखते हैं, यह कैसे हुआ है? जब कभी सिंधु से लोग इस प्लेन में धीरे धीरे आए हैं वहां से, तब इस गंगा का महत्व बढ़ा है। पहले यही सम्मान सिंधु का हुआ करता था। जो हमारे ऋग्वेद हैं, जो ऋग्वेद है पुराना वेद, वो सिंधु के तट पर है, उसमें गंगा की का इतना महत्व नहीं है। तो ये जो सभ्यता है हड़प्पा नगर और ये मोहनजोदड़ो, ये अफगानिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसे अब हम अपना नहीं कह सकते, ये वहां की हम कहानी पढ़ रहे हैं। और इन लोगों का जो व्यापार था वो गुजरात महाराष्ट्र, यहां तक इनकी मोहरें मिली हैं, सील जिसे कहते हैं, मोहर सिक्के मिले हैं इनके, मोतियों का काम होता था। इनकी मोतियां, इनके बनाए हुए मोती के माले बहुत दूर दूर तक मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनका वहां से व्यापार चलता था।
तो ये कई सारी चीजें हैं, एक नंबर पर डालें और लिखें हड़प्पा सभ्यता के लोगों का फारस की खाड़ी एवं मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, उन क्षेत्रों में यहाँ की मोहरें पाई गई हैं। भारत में तमाम जगह हैं, हरियाणा में राखी गढ़ी है, गुजरात में धौलावीरा है, लोथल है, पंजाब में रोपड़ है, राजस्थान में कालीबंगा है, ये कई जगह हैं जहाँ पर इस हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिलती हैं। तो यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब जो जितना खनन करवाएगा, खुदवाएगा, उतना पता चलेगा। पूरी की पूरी सभ्यता की निशानी जमीन के नीचे है, वहाँ खोदा जाता है, पता किया जाता है। और ये जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं चीज़ें बोलती हैं। जैसे घर है तो उसमें सब चीज़ें खोज लेंगे, जो जो होगी सब कुछ, मतलब जो होगा वो, ऐसा नहीं है कि सब टूट फूट चुका, टूट फूट गया फिर भी उसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं। एक टेक्निक होती है, एक आर्ट होती है, एक विज्ञान है। लेकिन बस इतना है कि जो खुदाई करेगा वो खास जो चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता ये अपने नगरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आजकल नगर निगम होते हैं, एक व्यवस्था होती है, घर ऐसे बनेगा, मकान इधर रहेगा, दुकान उधर रहेगी, नालियां ऐसे, बाथरूम इधर, किचन उधर। यह एक जो सिस्टम है, ये सिस्टम उन लोगों में देखने को मिलता है। अपने समय की लगभग आज से 4,000 वर्ष पहले 5,000 वर्ष पहले किसी जगह इतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलती है। हर एक घर में एक कुआं होगा, नहाने की जगह होगी, पानी निकासी होगा, और वो नाली जा करके सड़क में, सड़क की नाली से मिलेगी, जैसे आजकल का सिस्टम होता है, और वो पत्थर से ऊपर ढकी हुई होती है। नालियां जितनी मिलती हैं वो पक्के ईंटे की बनी मिलती हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं कि लोग आश्चर्य करते हैं कि उस जमाने में, उस जमाने की ईंटें आज भी सुरक्षित हैं। अन्य जगहों पर तो मिट्टी के मकान मिलते हैं। गरीबों और अमीरों में एक ही अंतर है, गरीबों के जो हिस्से मिले हैं वो कच्ची मिट्टी के मिले हैं, और जो अमीरों के मिले हैं वो पक्की ईंट के मिले हैं। ये एक अंतर है। उनके यहाँ कोई मंदिर नहीं मिले हैं, जो कि हमारी सरकार चाहती है कि मंदिर ढूंढो, बताओ कि मंदिर थे और मंदिरों में पूजा होती थी। कोई मंदिर नहीं मिला है उनको इस तरीके का, जहाँ कोई भव्य मंदिर बना हो या कोई मूर्ति हो। हाँ, उनकी जो मोहर मिली है, मोहर जो राजा की मोहर होती है, नगर की मोहर होती है, उन मोहरों में पीपल की पत्ती की निशानी, और जिसे शिव कहते हैं उनकी सील मिली है, बैल जिसको आप नंदी कह सकते हैं अगर जोड़ना चाहें, बैल यहाँ की सील में मिला है, यहाँ की मोहर में मिला है। तो कुछ पूजा पाठ तो यहाँ होता था लेकिन मंदिर नहीं थे। इसको आप लिख सकते हैं उसमें कि इस सभ्यता में मंदिरों का पता नहीं चलता, इस सभ्यता में मंदिरों का पता नहीं चलता। पीपल को अगले पॉइंट में लिखे, पीपल को पूज्य माना गया है। अगले पॉइंट में लिखेंगे इनके यहां आभूषण नहीं के बराबर थे, आभूषण नहीं के बराबर थे।
हाँ पीपल, मैंने बताया ना ये सील मिली है इनके यहाँ, मोहर जिसे कहते हैं, इसमें जो है पीपल की पत्तियाँ इनके उसमें मिली है, और भी इनके कुछ रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में जो पीपल की पूजा होती है ये अचानक नहीं हो गई है, ये उस सभ्यता में भी पीपल मूल्यवान माना गया था। इसका मतलब है ये प्रकृति के उपासक थे, मंदिर तो नहीं थे लेकिन प्रकृति की पूजा कुछ कुछ थी। बैल, बैल को कीमती माना गया है, बैल भी इनकी सील में, इनकी मोहर में बैल का चित्र है। इसका मतलब जो कीमती होता उसी को आदमी दिखाता है, इस प्रकार ये कहा गया। अनुमा मैंने कहा ना नीचे दबा हुआ है, वहां कोई बताने वाला नहीं है, बस इसके जो विशेषज्ञ हैं वो जो कह देते हैं वही हमें समझना पड़ेगा। कल कोई कुछ और बोलेगा तो ठीक है, इसको काट के उसको माना जाएगा। ये लिखा ना पीपल मूल्यवान था और पूजा गृह नहीं होते थे खास, और आभूषण आभूषण नहीं के बराबर। ये बड़े बड़ी अजीब बात है, आज का हिंदुस्तान गरीब माना जाता है लेकिन पूरी दुनिया का आधा सोना हमारे यहाँ होता है, अमीर और गरीब सबके घरों में। जितना आभूषण हमारे यहाँ की महिलाएं पहनती हैं उतना दुनिया में और कहीं नहीं पहनती हैं, लेकिन 4000 साल पहले ये लिखा हुआ मिलता है कि इनके यहाँ आभूषण नहीं के बराबर थे। यही एक सभ्यता है, कुछ मिले हैं आभूषण लेकिन बहुत हल्के। इन्हीं के समकालीन दुनिया में जो अन्य सभ्यताएं हैं जब वहां खोदा गया तो वहां आभूषण बहुत मिलते हैं, यहां आभूषण नहीं मिले हैं। एक और पॉइंट लिखें, इनकी लिपि चित्रात्मक होती थी, इनकी लिपि लिपि चित्रात्मक होती थी। देखें चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक ये दो तरह की लिपियां हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इसमें एक ध्वनि है अ आ ई ई, एक ध्वनि है। अमीर, ये लिखा है अमीर अ मी र, ध्वनि है, ध्वनि निकलती है। चीनी भाषा में जब किसी को अमीर लिखना होता है तो यहां पर एक चिन्ह बनाएंगे। जानते हैं क्या चिन्ह होता है? ये सुअर का चिन्ह होता है। चीनी भाषा में ध्वनि वहां की जो वो है लिपि है वो चित्रात्मक है। जब उन्हें अमीर दिखाना होता है तो एक सुअर बनाएंगे, अब बहुत धनी है तो एक और सुअर बना देंगे, दो सुअर। ये चित्र देख करके आप समझ जाएंगे कि वो धनी है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अमीर है धनी है। यह जो लिपि है इसको चित्रात्मक कहते हैं, इसको कहते हैं ध्वन्यात्मक। और अगर इधर असम, शिलोंग, मेघालय, अरुणाचल यहाँ अगर कभी जाना हो जाएं तो देखेंगे वहाँ हर घर में जैसे यहाँ लोग कार रखते हैं वहाँ पर एक दड़बा बना होगा बढ़िया स्टैंडर्ड, उसमें सुअर होंगे। और सुअर कैसे? ये वाले सुअर नहीं, उत्तर प्रदेश वाले गोरे गोरे एकदम विदेशी सुअर, उनको बढ़िया चीज़ खिलाई जाती है। और नेम प्लेट देखेंगे नाम लिखा रहेगा और आईएएस ऊंचा अफसर, ये नहीं कि गांव देहात का आदमी सुअर पालता है, आईएएस सुअर पालता है। और मौके मौके पे कटेगा और पूरे क्षेत्र में बांटा जाएगा, दूसरे के यहां कटेगा तो इनके यहां आएगा। वहां अभी भी आज भी सुअर वहां की समृद्धि की निशानी है। तो ये जो हम लोगों के यहां ये जो अरुणाचल है, मेघालय है, शिलांग है, ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, ये चीन का कल्चर है।
इसलिए चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, वो गलत नहीं कहता है। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति सब कुछ चीनी है, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो वो हमारे यहाँ आ गया, तो अंग्रेज चले गए तो वो हमारे यहाँ है। तो लिपि, मैं लिपि की बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ की जो लिपि है वो बहुत पढ़ने में नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ वो चित्रात्मक लिपि है। हाँ जो जी, बृहत्तर भारत में, बृहत्तर भारत का मतलब होता है भारतीय संस्कृति का प्रभाव जहाँ जहाँ हो, मतलब भारत में हो नहीं, वो बृहत्तर भारत। जैसे इंडोनेशिया है, भारतीय संस्कृति का आपके कुछ है। हाँ आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जैसे अशोक के समय में मतलब राज्य भारत का विकास था, तो उधर वो नहीं था। हम लोग जो मानते हैं वो बंगाल है, बंगाल तक हम अपना मानते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है और वो चीन का प्रभाव क्षेत्र पड़ जाता है। जैसे नेपाल है, नेपाल हमेशा से स्वतंत्र रहा है, तो नेपाल भूटान तिब्बत इधर की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि इसको हमने अपना अपनी सीमा रेखा मान लिया। हिमालय की जो तराई है उसको हमने अपना माना, और ये सब पहाड़ी है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। तो इधर जो है चीन का अब मंगोलिया का प्रभाव था, तो वहाँ के लोगों की भाषा और वहाँ के लोगों की बनावट कहाँ मानते हैं कि हमारे लोग हैं। अभी भी कोई चला आएगा असमिया आदमी, उसका भी यही कहेंगे नेपाली है, हम ही नहीं मानते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं। उनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग है, बॉडी की जो बनावट है वही अलग हो जाती है, भाषा अलग हो जाती है, लेकिन चूंकि अंग्रेजों के समय से वो भारतीय का हिस्सा रहे हैं इसलिए हैं अभी भी। एक चीज़ और है, सिंप्लिसिटी ऑफ द ब्यूरियल्स। ये जो शमशान होते हैं, अन्य सभ्यताओं में शमशान बड़े विशाल बनाए जाते थे, राजाओं के जो शमशान गृह होते थे वहाँ आम आदमी जा नहीं सकता था। ये जो मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं ये क्या हैं, ये शमशान गृह ही हैं एक तरह के। वो दूर से समझ में आता है कि ये राजाओं के, ये खास लोगों के हैं। इस सभ्यता में जो शमशान गृह मिले हैं वो बहुत साधारण मिले हैं, कहीं ऐसा नहीं जानकारी मिल पाती है कि ये गरीब आदमी का है कि अमीर आदमी की कब्र है। जलाने की बात भी आती है और दफनाने की बात आती है, दोनों चीज़ें आती हैं कि इस सभ्यता में, इस संस्कृति में लोगों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि अमीरों की जगह में जो दफनाया गया तो कुछ खास, कपड़े उनके थोड़े खास होते थे जैसे धनी आदमी कपड़े होते हैं, बाकी वो एकदम एक साधारण ढंग से होते थे, मरने पे जो सब बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी कुछ चीज़ें ये हड़प्पा के बारे में पढ़ते हुए आई, इसलिए इसको अब एक अंतिम प्रश्न है, शायद ये प्रश्न हमारे काम का हो। मुनीन साहब क्या लिखा है, हाँ युद्ध क्यों होते थे। सबको बताना है युद्ध क्यों होते थे, बताएं युद्ध क्यों होते थे या अभी भी क्यों होते हैं। एक कारण बता दें, एक साथी दूसरा बता देंगे, अपने राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है, राज्य विस्तार इसको लिख लें। राज्य विस्तार एक कारण, सोमेन साहब युद्ध क्यों होते थे,
एक कारण राज्य विस्तार, दूसरा कारण बताएं। आखिर कहीं युद्ध होता है तो क्या कारण होते हैं, चाहे पहले होते रहे हों युद्ध या अभी होते रहे हों। कृपा साहेब जी, युद्ध क्यों होते थे बताएं? अहंकार। अच्छा कैसा अहंकार साहब जी? अच्छा करमचंद साहब, ठीक है राज्य के लिए है, मतलब डर भय नहीं रहता पड़ोसी का, सब कुछ भी हो सकता है। 326 ईसा पूर्व में इतनी दूर से 10 साल की यात्रा करके एक आदमी आपके यहाँ अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप कह सकते हैं उसका अहंकार, कह सकते हैं राज्य का विस्तार चाहता है, विश्वविजेता बनना चाहता है, और क्या है? संस्कृति विस्तार। पूछें साहब जी, कुछ सहयोग करेंगे? जमीन और स्त्री को लेकर के गुरुवेंद्र साहब जी कुछ और जोड़ेंगे? कौन कौन सा कौन सा, ये और ये? अच्छा ये और दो, एक और दो। देखें सुने, हिंदुस्तान जो भी आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आया है, दूसरा कारण उसके पास नहीं था। मैं ऐसे ही लिखता हूँ, समझ जाएंगे आप। लालच, ये एक सोने की चिड़िया है, चलना है वहाँ। मुसलमान भी इसी ले आए, अंग्रेज भी इसी ले आए, और इसके पहले जो थे वो सब हिंदुस्तान इसी ले आए। हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ मिलता है उनके पास कोई हथियार नहीं मिले, ये एक ऐसी सभ्यता है जिनके पास हथियार नहीं थे। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू लिव बाय स्वॉर्ड यू डाई बाय स्वॉर्ड, अगर तुम तलवार लेकर के लड़ते हो तो तलवार पर ही, तलवार से मरोगे। इस सभ्यता के पास कोई हथियार नहीं दिखते हैं, ये बनियों की सभ्यता थी। युद्ध क्यों होते थे, मैंने भारत की बात नहीं किया, किसी भी कारण से बात किया है। पहला कारण हमेशा होता है राज्य विस्तार, जमीन मिले, लेकिन जमीन की पहले कोई कीमत नहीं होती थी, ये तो अभी 100 साल से जमीन की कीमत होने लगी, नहीं जमीन कोई कीमत नहीं होती थी। दूसरा कारण होता है इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण खास कारण यही होता है, कोई राज्य जब किसी राज्य पर हमला करता है तो वो चाहता है कि इनका जो धन बल है, इनका जो जन बल है, इनका जो व्यापार है, वो सब हमारे हिस्से में आ जाए। इसलिए लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जो साहब ने ये बात कही, युद्ध का जो सबसे भीषण प्रकोप होता है, प्रभाव होता है, वो सिर्फ दो लोगों पर होता है, युद्ध बच्चों के लिए और औरतों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है। जो लड़ने वाले हैं वो तो लड़ करके मर मिट जाएंगे जवान लोग,
लेकिन जो युद्ध का जो प्रभाव है, जो दूरगामी प्रभाव है, वो बच्चों पे पड़ता है और स्त्रियों पे। स्त्रियों पे कैसे? अगर स्त्रियां ना हों तो बहुत सारे युद्ध ना हों। जब कोई आदमी सेना इकट्ठी करता है हिंदुस्तान में आने के लिए, तो क्या कहता अपने साथियों से? अगर तुम मेरे साथ युद्ध करने चलोगे हिंदुस्तान, तो तुम्हें इतना सोना मिलेगा, इतनी स्त्रियां मिलेंगी। बाबर ने यही कहा था। फरगना उसकी छोटी सी रियासत थी, वहां से आया और उसने साथियों से कहा, हिंदुस्तान चलोगे तो मालो माल हो जाओगे। क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, और एक एक आदमी को जितनी जितनी चाहोगे उतनी स्त्रियां दूंगा। सबसे ज्यादा स्त्रियों की इसमें दिक्कत होती है। जो स्त्री प्रेग्नेंट है, गर्भ वाली है, उसको मार देंगे, और जो स्त्री सही है उसको गर्भवती कर देंगे। अब उसमें जो बच्चा आएगा वो आतताई दुश्मन का बच्चा होगा। जवान लोगों को पकड़ा जाएगा और उन्हें युद्धबंदी बना करके ले जाएंगे और अपने यहां बेगार कराएंगे, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक। क्योंकि आदमी जमीन से ज्यादा कीमती आदमी होता था उस समय। युद्धबंदी बनाए जाते थे लोग, और लाखों लाखों की संख्या में युद्धबंदी यहां से जाते थे। कोई उसमें सुनार होता था, कोई उसमें कारीगर होता था, कला कौशल वाला, इन सब को लेकर के जाते थे यहाँ से, ईरान और कहाँ कहाँ, रूस, हिंदुस्तान से लोगों को। तो ये जो युद्ध होते थे वो राज्य विस्तार के लिए भी होते थे, आर्थिक कारण के लिए होते थे, स्त्रियों के लिए होते थे। युद्धबंदी बना करके लोगों को बेगार में काम कराने के लिए ले जाया जाता था। इन सब कारणों से युद्ध तब भी होते थे, और इन सब कारणों से युद्ध आज भी हो रहे हैं। जब भी कभी अभी अफ्रीका में लड़ाई हो रही है तो क्या करते हैं? एक गुट जब जीतता है, पहला काम करता है, स्त्रियों पर टूट पड़ता है। स्कूल से लड़कियों को उठा ले जाएंगे और अपने यहाँ रखेंगे। अब उससे जो पीढ़ी पैदा होगी उनकी पीढ़ी होगी, उनके लोग होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लालच है। ये इस पर थोड़ा सा कल लिखवा करके फिर आगे मैं निवेदन करूँगा कि जो लोग डायरी लाए हैं, कॉपी लाए हैं, वो दे दें, और शेष कल दे सकेंगे थोड़ा थोड़ा करके।